हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अगर आप लोग मेरा रेगुलर ब्लॉग देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि अभी मैं ससुराल में हूँ, ससुराल ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो ये जो ब्लॉग है वो कल से ही मतलब कि कंटिन्यू था ब्लॉग, मतलब कि जो मॉर्निंग से स्टार्ट किया था वो कल मॉर्निंग से लेकर के जैसे जैसे मतलब शूट करते ही जा रही है तो आज तक का था। तो ये है कल दो मतलब लगभग दोपहर से 11 बजे के करीब से। तो मैं यहाँ पे छत पे आई हूँ और छत का जो नक्शा है वो बहुत चेंज हो गया है। मतलब पहले का अगर आप लोग बहुत पहले का देखोगे तो थोड़ा सा अलग था, लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है छत पर। इग्नोर कीजिएगा, तुलसी जी जो है वो छत पे ही हैं। तो मैं जल देने आई हूँ। तो अभी तो वैसे ट्राईपॉड है नहीं, और सोचती हूँ ना कि जैसे हर कुछ जैसे जैसे करते हैं ना वो सब कुछ शेयर करने का, बट कभी कभी एक बहाना हो जाता है कि ट्राईपॉड नहीं है तो शूट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्या हो गया, अगर ट्राईपॉड नहीं है तो कोई बात नहीं, फ़ोन लेकर जाती हूँ वहाँ पर रख दूँगी। और रख दिया है, आपको पता चल रहा होगा कि रेलिंग के पास मतलब कि फ़ोन रखी हुई हूँ जो कि उसी हिसाब से दिख रहा है। तो बस मैं यहाँ पर रख करके और अपना पूजा पाठ की मतलब कि जल चढ़ाई जो भी हुआ उसके बाद नीचे गई हूँ। तो थोड़ा सा ईजी भी हो जाता है, नहीं तो ट्राईपॉड ले जाओ और ट्राईपॉड में लगाओ वगैरह वगैरह। ये थोड़ा सा सही भी है कि कहीं रख दो, थोड़ा सा सूट हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि मैं क्या मतलब मैं ना सूट तो बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ कि कैसे कैसे क्या करती हूँ सब कुछ सूट करूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसा सोचती हूँ वैसा हो जाता है। तो जब नीचे आई हूँ तो बाबू उठ गया था तो उसको नहलाई हूँ, और उसके बाद उसका जो है कॉम वगैरह मतलब डायपर पहनाने के बाद ये ड्रेस पहना रही हूँ और थोड़ा सा इसके साथ टाइम में स्पेंड करूँगी। कभी कभी ऐसा होता है मैं चाहती हूँ ना कि मैं नहा के आऊँ उसके बाद इसको नहा लूँ, क्योंकि मम्मी लोग बोलते हैं कि नहा के आने के बाद ना जस्ट बाद बच्चे को नहीं दूध पिलाना चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए। तो पता नहीं क्या है, लेकिन इसका रीज़न नहीं पता मुझे कि क्या है, लेकिन बस ऐसे बोलते हैं तो मैं सोचती हूँ कि चलो फॉलो करते हैं। जो भी है, हो सकता है बॉडी ठंडा रहता होगा नहाने के बाद या फिर जो भी हो, लेकिन मेरे से ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि बाबू इतना परेशान कर देता है ना, इसको उसी टाइम उठना रहता है जिस टाइम मैं नहा के आती हूँ। और ये मतलब कैसे भी करेगा ना, जो मैं करना नहीं चाहती उसी टाइम ही रोएगा। तो बस मैं सोच रही थी पहले इसी का कर देती हूँ, क्योंकि दूध नहीं भी पिएगा ना कम से कम नहा लेगा तो ये थोड़ा फ्रेश फील करता है, थोड़ा देर खेलता है, तो उस बीच में मैं चाहूँगी तो खाना खा सकती हूँ। तो फिर बस मैं इसी में लग गई हूँ और वही शूट कर रही हूँ। आप लोगों ने बोला था कल के ब्लॉग में जो वो क्या बोलते हैं मीठी नहीं दिख रही है, तो एक्चुअली वो अपने दादी के मायके गई थी मतलब नानी के गाँव, तो इसलिए वो नहीं दिख रही थी। बट यहाँ भी जब रहती है ना तो वो मेरे पास बहुत कम रहती है, ज़्यादातर वो नीचे में रहती है। मतलब हम लोग का 2 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ और ग्राउंड फ्लोर पे जो है मेरे मतलब ससुर जी रहते हैं, मम्मी जी लोग भी मतलब कि रहती है। मम्मी जी तो मतलब मेरे साथ भी रहती है लेकिन ससुर जी हमेशा मतलब नीचे ही रहते हैं ज़्यादातर, मैं जब से हूँ तब से। जब मैं नहीं रहती हूँ तो ऊपर में भी रहते हैं नीचे में भी, लेकिन हमारे इधर होता है ना कि ज़्यादातर मतलब थोड़ा सा पर्दा करते हैं, जैसे सामने इतना जैसे मतलब कि क्या मैं से कैसे बताऊं, थोड़ा सा पर्दा करते हैं, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते हैं और इस हिसाब से थोड़ा सा अलग अलग है तो अच्छा लगता है। मतलब मैं कुछ भी पहन लेती हूँ, जैसे मैं नाइट ड्रेस भी पहन लेती हूँ या फिर कुछ ऐसा पहन लेती हूँ जो पहन के अगर ससुर जी के सामने ना भी जाए तो भी चलेगा, तो सही है। वैसे सामने रहते हैं तो ये रहता है ना कि थोड़ा ठीक से रहो ऐसा करके। तो मैं बिहार से हूँ, जो भी बिहार से होंगे वो मेरा बात अच्छे से समझ गए होंगे क्योंकि मैं अच्छे से बता नहीं पा रही। तो ये है, तो मीठी ना ज़्यादातर नीचे ही रहती है, जैसे अभी उसका आवाज़ सुनाई दे रहा होगा हंसने का, वो नीचे ही है। ज़्यादातर वो अपने दादा दादी के पास ही रहती है, मेरे पास बहुत कम आती है। और स्टार्टिंग में जिस दिन आई उस दिन से लेके ना 2-4 दिन तो खास करके ज़्यादा ही रहेगी, उसके बाद थोड़ा सा आएगी भी। तो ये वाला हाल है, तो कृष्णा है तो चलो सही है, नहीं तो मैं अकेली ही पड़ जाती। तो कृष्णा मेरे साथ ही जाता रहता है, ये अभी ज़्यादा किसी के साथ नहीं जाता है और ज़्यादा इसको लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, मतलब खिलाते तो सभी लोग हैं लेकिन ये ज़्यादा। हाँ बेटा, ओके बेटा मैं आ रही हूँ। बस यही सब चल रहा है। और मैं अभी क्या बोल रही थी मैं भूल भी गई, क्योंकि मैं वॉइस वर्क कर रही थी, वीडियो एडिट कर रही थी, उसी में मीठी आ गई तो फिर मैं उसके साथ चली गई थी। तो बस यही है, अभी मैं क्या बोल रही थी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं आप लोगों के साथ जो भी मतलब शेयर कर रही हूँ वो लगभग कल का और आज का ब्लॉग है। और पता नहीं कल के ब्लॉग पे आप लोगों का प्यार बहुत कम मिला है, मतलब कि जैसे कि आधा मिला है, जितना मिलता था ना उससे लगभग आधा मिला है। तो पता नहीं क्यों, अगर आप लोगों को ससुराल ब्लॉग पसंद नहीं है तो बताइए मतलब किस टाइप का ब्लॉग पसंद है। ससुराल ब्लॉग कहने का मतलब हूँ तो मैं ससुराल में,
बट किस टाइप का ब्लॉग पसंद है? क्योंकि जैसे दो ब्लॉग पे अच्छा खासा आप लोगों ने प्यार दिया था, लेकिन उसके बाद कुछ आधे लोग ही आए थे, तो उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने नाइट ड्रेस में। एक्चुअली क्या ना कि यहाँ पे मॉर्निंग से, जैसे कि मॉर्निंग से मैं बोल रही हूँ, नहाने के बाद मैं साड़ी पहनती हूँ और उसके बाद शाम तक पहनी रहती हूँ, फिर शाम का जो खाना बनता है जब से, उससे पहले मैं वो नाइट ड्रेस में आ जाती हूँ, फिर नाइट ड्रेस में खाना वाना बनाती हूँ जैसे जो भी हुआ रात भर, और फिर कल सुबह तक खाना वाना बन जाता है उसके बाद ही मैं नहाती हूँ, तो फिर नहा करके फिर साड़ी। तो ऐसा मेरा वो कपड़े का जो रूटीन है वो इस तरह से मैं पहनती हूँ, और वैसे मैं सब कुछ पहनती हूँ, ऐसा नहीं है कि नाइट ड्रेस ही पहनना या साड़ी ही पहनना, सूट मतलब हर कुछ पहनती हूँ, लेकिन कुछ इस टाइप का ही रूटीन रहता है ससुराल में, नहा दो के साड़ी पहन लो। मम्मी जी को बहुत पसंद है मैं साड़ी पहनती हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो बोलते रहते हैं कि साड़ी में अच्छी लगती है, मतलब सही लगता है सब, तो ये बात सही है, कोई भी नारी साड़ी में ही अच्छी लगती है ज़्यादा, लेकिन अपने कम्फर्ट के हिसाब से लोग ड्रेस पहनते हैं, क्योंकि साड़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है हैंडल करना, तो इस वजह से लोग अपने कम्फर्ट के हिसाब से नाइट गाउन, नाइटी या फिर नाइट ड्रेस जो भी होता है वो पहनते हैं लोग घर में, थोड़ा कंफर्ट रहे, सूट वगैरह पहनते हैं। बाहर जाने में भी आप जितना सूट में फ्री रहते हो उतना साड़ी में नहीं फ्री रहते हो, सूट से भी ज़्यादा जीन्स में फ्री रहते हो, लेकिन जब जैसा सिचुएशन है वैसा पहनना ही पड़ता है, तो अभी यहाँ पे तो जीन्स और सूट पहन सकती हूँ, लेकिन जीन्स कौन पहनता है घर पे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पनीर आलू की सब्ज़ी, क्योंकि आज है मंगलवार और मंगलवार को मम्मी जी का फास्ट रहता है, मेरे देवर का भी फास्ट रहता है, तो रात में जो है वो खाना मतलब अच्छे से बनता है, चावल दाल सब्ज़ी कुछ पकौड़ी या फिर इस तरह का। तो बस अभी मैं बना रही हूँ ये क्या, मैं चावल और सब्ज़ी बनाई थी, तो वही मैं सब्ज़ी बना रही हूँ अभी, आलू और पनीर की सब्ज़ी। तो कल के ब्लॉग में कमेंट आया था कि शेयर करूँ मैं रेसिपी, तो सोचा कि दिखाती हूँ बनाती हूँ, हाथ से ही मैं शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे खड़े मसाले जो होता है वो नहीं था, जैसे दालचीनी और बड़ी इलायची ये सब नहीं था, तो बस सीधा मैं तेल में जीरा और मिर्ची डाली थी, तेज पत्ता भी नहीं था, तो जीरा और मिर्ची डाली थी, उसके बाद मैं प्याज डाली हूँ, चार प्याज कट की थी, और प्याज डालने के बाद मतलब नॉर्मल जैसा सब्जी में काटते वैसा ही काटी थी। प्याज डालने के बाद जब थोड़ा सा भून गया है, उसके बाद उसमें लहसुन डाली हूँ, और लहसुन डालने के बाद वो भी जब भून जाएगा तो जो बेसिक मसाला होता है, हल्दी नमक धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर और ये गरम मसाला चिकन मसाला, वो सब मैं मतलब गरम मसाला या चिकन मसाला ऐसा, वो डालने के बाद जैसे बेसिक मसाला जो भी होता है वो भून गया है, उसके बाद मतलब थोड़ा सा पानी डाली थी, और पानी डाल मतलब अपने हिसाब से भूनना है, कभी मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा पानी डाल करके और वो सीटी लगा देती हूँ, ताकि अच्छे से एक सीटी लग जाएगा, अच्छे से प्याज ही गल जाएगा, क्योंकि सब्ज़ी में है ना प्याज अच्छे से गल जाता है तो सब्ज़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस सीटी दिलाई थी, फिर सीटी ठंडा हो गया, इस तरह से बनाने में थोड़ा टाइम लेकिन लग जाता है, क्योंकि आप सीटी दिलाओ फिर सीटी ठंडा होगा फिर उसको भूनो, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाता है, लेकिन प्याज ज़्यादा डालने पे ये करना पड़ता है, क्योंकि प्याज भी तो गलना है ना, चार प्याज डाली तो थोड़ा सा चारों प्याज को गलाना होता है। और उसके बाद मैं टमाटर डालना भूल गई थी, तो वैसे भी टमाटर मेरे घर में एकदम गला हुआ मिक्स टमाटर का पसंद नहीं है, थोड़ा सा टमाटर खाना अच्छा लगता है गला हुआ जो टमाटर दिखे वैसा, तो मैं छोटा छोटा टमाटर का एक टमाटर का 8 टुकड़ा ऐसा करके मैं डाल दी थी, और टमाटर जब भुन गया था उसके बाद आप देखोगे थोड़ी देर में कि एकदम मतलब कि एकदम मिक्स अच्छे से मसाला हो गया, तो उसके बाद मैं डाल देती हूँ इसमें फ्राई किया हुआ मतलब कि पनीर, मुझे तो वैसे बिना फ्राई किया हुआ ही पनीर पसंद है, लेकिन मम्मी को थोड़ा सा फ्राई किया हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आज मम्मी के लिए बना रही थी तो उनके हिसाब से। और ये देखिए इस तरह से अगर आप छोड़ देंगे तो मस्त एकदम मतलब चपाती में खाने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हमें खाना था चावल में, तो इसलिए मैं इसमें डालूंगी पानी, और फिर भी अच्छा लगता है। तो और आलू इसीलिए मैं डालती हूँ, पता है आलू डालने से ना वो पानी जो भी डालते हैं उसकी थिकनेस जो है कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है सब्ज़ी की, मतलब मैनेज कर लेता है सब्ज़ी को, वो पानी वाला नहीं रहने देता है, और फिर क्वांटिटी भी अच्छा हो जाता है। और दूसरी बात ना कि सिर्फ पनीर खाने में अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा आलू रहे, बहुत लोगों को ऐसा होता होगा कि आलू पसंद होगा, तो थोड़ा सा आलू रहे तो अच्छा रहता है। और इधर बन रहा है आलू की इस तरह का पकौड़ी, हमारे बिहार में इसको चॉप बोलते हैं, हमारे इधर जो बोलते हैं कचरी चॉप ऐसा करके बोलते हैं, तो ये आलू का है, जैसे कि आलू बॉयल करके उसमें डालना है प्याज अजवाइन और मतलब हरी मिर्ची डाल करके काट करके, और सब मसाला जो भी होता है धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर नमक ये सब थोड़ा थोड़ा डाल करके अच्छे से मिक्स करके, और इस तरह से ये बेसन के घोल में, जैसे बेसन तैयार करते हैं पकौड़ी बनाने के लिए उस तरह बेसन के घोल में ऐसे करके, और फिर तल दो उसको। तो मैं बस ऐसे ही उसका
उसका मैं ले नहीं रही थी, मेरी ननद बना रही थी तो ऐसे ही बस दिखाई हूँ, वो बनने के बाद मैं ले नहीं पाई, क्योंकि देखो बच्चा जब रहता है ना घर में तो आप बच्चे में इतना बिजी हो जाते हो, कुछ दिखाते हो कुछ नहीं। यहाँ पे सब्जी में बना ली थी तो वही थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर डाल के दिखा रही हूँ। तो सब्जी देखने में कैसा लग रहा है बताइएगा, मतलब पानी डालने के बाद बंद करने के बाद का ये क्लिप है। और बस मैं वही चॉप का नहीं दिखा पाई थी, बाबू रोने लगा था तो उसके पास मैं चली गई थी। कभी कभी तो सारा सब्जी दिखा देती हूँ, जब लास्ट टाइम बनने के बाद मैं दिखा ही नहीं पाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहिएगा वीडियो में।